सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल शॉपर्स प्रोडक्ट्स। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लेके आया हूँ आर्टिक फॉक्स का कोबरा गेमर बैकपैक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कोबरा गेमर बैकपैक है क्या? तो क्या डिफरेंस है इसका दूसरे बैकपैक्स के मुकाबले, और ये इतना महंगा क्यों है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी MRP की बात कर ले तो आपको 3800 के अराउंड देखने को मिल जाती है। एंड राइट नाउ आप इसको अमेजोन या फ्लिपकार्ट से 2000 रुपीज़ तक बाय कर सकते हैं। तो एक एंटी थेफ्ट बैकपैक होता है, तो इसके बारे में जो भी है सारे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ आपको, एक अच्छी तरह से बताने वाला हूँ कि जो ये बैकपैक है ये क्या सच में यूज़फुल है, सच में इसे आप गेमिंग बैकपैक कह सकते हैं या नहीं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो यहाँ पे मैंने इस बैकपैक को बाहर निकाल दिया, तो ये आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है सामने से, जहाँ पर आपको गेमर लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा और एक आर्टिक फॉक्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। तो मैं इसे खोल लेता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। एक फाइबर टेक्सचर है, बहुत प्यारा टेक्सचर है। यहाँ पे आपको फाइबर की कोटिंग देखने को मिल जाती है जो बहुत ही प्यारी लगती है। एंड लिटरली ये जो गेमर है ना, लिटरली यार अगर आप गेमर है, गेम्स खेलते हैं, गेम्स खेलना पसंद है, तो लिटरली आई विल से कि आपको बहुत अच्छा लगने वाला है ये बैकपैक। एंड यहाँ पे आर्टिक फॉक्स की, जैसे कि मैंने कहा, ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। ये आपको एंटी थेफ्ट बैकपैक मिल जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे कोई जिप नहीं दी गई है कि फॉर एग्जांपल आपने ये बैग डाला है एंड पीछे से कोई खोल ले से, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी इसकी। यहाँ पे भी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे आप बॉटल डाल सकते हैं अपनी, यहाँ पे इस जगह पे, तो छोटी बॉटल्स वगैरह डाल सकते हैं, इतनी बड़ी नहीं है। आप इसे यहाँ से कैरी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको लैपटॉप पकड़ना है अपना, तो आप यहाँ से कैरी कर सकते हैं। देख सकते हैं कितना प्यारा लगता है अगर हम यहाँ से इसे कैरी करें, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये बहुत स्टेबल बैकपैक है, और क्या ही कहें इसके बारे में। इसे खोल के पूरा दिखाने वाला हूँ, क्या ये वाटरप्रूफ है, रेन कवर है, जो भी है इसका पूरा बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमें की के लिए लॉक्स देखने को मिल जाते हैं, जिप्स के लिए हमें लॉक्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड लिखा हुआ है 000, तो जैसे हम इसे प्रेस करेंगे तो ये बाहर निकल जाएंगे। अभी राइट नाउ मैं इसे वापस लॉक कर रहा हूँ, तो आपको दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करता है। इसका जो कोड है वो 000 है, तो इसे मैं चेंज कर लेता हूँ। इसे मैंने 7 पे रख दिया, आप देख सकते हैं 700, एंड प्रेस करूँगा कुछ नहीं होगा। इवन आप 777 ट्राई करेंगे आप जैसे कि देख सकते हैं, तो भी ये नहीं खुलेगा क्योंकि इसे एक परफेक्ट कोड यानी 000 चाहिए। फिलहाल मैं वापस इसे डालता हूँ 000 पे, आपको दिखाता हूँ देन। ओके, ये खुल गया। तो देख सकते हैं कितना प्यारा है कि मतलब आपका जो लैपटॉप है या जो भी चीज़ आपने इसमें रखी है वो लॉक रहेगी। तो हम अपनी नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं, वो यहाँ पे आ जाता है। फॉर एग्जांपल आप फ्लाइट्स पे जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपका जो अटैची है या जो भी आप ब्रीफ केस कहेंगे उसके साथ हैंडल होता है, तो आप इसे यहाँ पर अटका सकते हैं, जो चीज़ मुझे बहुत ही प्यारी लगी। बेटे सेकेंड में इसे थोड़ा पीछे कर लेता हूँ कैमरा को, तो देख सकते हैं, जूम आउट कर लिया मैंने। आप यहाँ पे इसे टांग सकते हैं, ये अपना जो भी है जो हैंडल है यहाँ से निकाल के आप इसे टांग सकते हैं, और ये बहुत प्यारा लगेगा लिटरली। एंड राइट नाउ अभी मैं इसे खोलने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करिए, ध्यान से देखिए ये कैसा है बैकपैक, और साथ में ये क्या है। यहाँ पे आपको वारंटी कार्ड वगैरह देखने को मिल जाता है, तो चलिए हम इसे पूरा खोल लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो राइट नाउ मैं इसे खोल रहा हूँ, तो फिलहाल हम इसका लॉक ओपन कर लेते हैं, देन हम इसे ओपन कर लेते हैं यहाँ से। तो राइट नाउ मैंने इसे ओपन कर लिया, तो ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको हेडफोन्स के लिए स्पेशली दिया गया एक पैड, यहाँ पे आप अपना हेडफोन्स लटका सकते हैं। ये इसके अंदर आपको रेन कवर देखने को मिल जाता है आर्टिक फॉक्स का, इस पर ब्लैक कलर का रेन कवर है और कुछ नहीं है, बस एक आर्टिक फॉक्स की ब्रांडिंग दी गई है। तो चलिए इसे साइड पर रखते हैं। तो राइट नाउ हम इसे फिर से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको केबल देखने को मिल जाती है, एक देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना पावर बैंक वगैरह अटैच करके इसे यहाँ से चार्ज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप अपनी केबल लगा के फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। तो मैं फिर से इसे ओपन कर लेता हूँ एक बार, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे आप अपना एक 17 इंचिस का लैपटॉप डाल सकते हैं इसके अंदर। देन यहाँ पे इवन आप अपना कूलिंग पैड वगैरह डाल सकते हैं। देन यहाँ पे चार्जर, यहाँ पे पेन ड्राइव वगैरह के लिए आपको जगह दी गई है। एंड लिटरली 27 लीटर का जो ये बैकपैक है, मैं बहुत ही कहूँगा अच्छा बैकपैक है। यहाँ पे बहुत स्पेशियस है, तो यहाँ पे आप कीबोर्ड रख सकते हैं, अंदर भी आपको स्लॉट्स दिए गए हैं यहाँ पे इस साइड पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे अभी आप चीज़ें डाल सकते हैं,
यहाँ पे भी डाल सकते हैं और यहाँ पे भी डाल सकते हैं। तो एक लिटरली ये गेमिंग बैकपैक दिया गया है। यहाँ पे भी आप स्लॉट्स आपको दिए गए कि आप वायर्स वगैरह यूएसबी हब्स या ऐसी मोस्टली बहुत सी चीज़ें होती हैं जो ऐसा गेमर आप लोग रखते हैं अपने पास कैरी कर सकते हैं तो आप फुट डाल सकते हैं। तो और क्या चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं यहाँ पे हम देखते हैं ज़रा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये हेडफोन्स का जो जैक दिया गया है यहाँ पे हम इसे एक बार चेक करते हैं लिटरली मतलब यूज़फुल है या नहीं आप लिटरली चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना हेडफोन्स यहाँ पे डाल दिया है एंड ये कुछ इस तरह से लगेगा। ये मतलब थोड़ा तो भिल्ले का तो सही इतना तो चाहिए ना बैक में। अब आप इसे बंद करके रख लीजिए तो जो ये आगे से जो इसका मटेरियल है बिल्कुल ही हार्ड मटेरियल है, आपका टूटने वाला मटेरियल नहीं है कि अगर आप सोचें कि आपका बिल्कुल ही हल्का सा गिरे या कुछ भी हो तो टूट जाए। हाँ अब ऑब्वियस सी बात है अगर थोड़ा हाई डिस्टेंस से ये बैग गिरेगा तो बैग के अंदर के टिचड़े भी उड़ जाएंगे जो भी लैपटॉप है। तो बिल्कुल ही आप सोचें कि इतना हार्ड है तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है तो फिलहाल इसे वापस ओपन कर लेते हैं। तो ये अपने हेडफोन्स वापस निकाल लेते हैं बाहर। तो अंदर के मटेरियल की बात कर ले तो अंदर का मटेरियल बहुत अच्छा है, बहुत को हाई क्वालिटी मटेरियल है। जिप्स की बात कर ले जिप्स भी बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी दी गई हैं। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और साथ में जो बेल आइकन है ना उसे भी दबा देना ताकि आपको मेरे फ्यूचर अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहें। और साथ ही साथ एक और चीज़ कहना चाहूँगा, पैक का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। प्राइस कभी भी बढ़ जाता है कभी भी डाउन गिर जाता है तो उसके लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मुझे ये अराउंड 1999 यानी अप्रॉक्सीमेटली क्या 2000 रुपीज़ का ही पड़ा है मुझे। ठीक है तो इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।